हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर टैली ईआरपी 9.0 को पूरा कवर कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूट पर जाते हो और फीस देकर सीखते हो ना, ठीक है, और पूरा टॉपिक क्लियर होता है या नहीं होता है वो आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आपको वीडियो सेशन के माध्यम से पूरा कंप्यूटराइज मैनर से टैली का कोर्स कराऊँगा, ठीक है। यानी इसके बेसिक क्या होंगे और इस पर वर्क क्या होगा, जैसे अगर वर्क करना हो तो आपको स्लिप कैसे बनाओगे, प्रिंट कैसे करोगे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे यूज़ करोगे, पेरोल कैसे बनाओगे, POS क्या होगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक होते हैं ना टैली के, मैं आपको कंप्यूटराइज मैनर से सब बताऊँगा, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आपने पूरा अच्छे से देख लिया वीडियो, ठीक है, तो आप अगर आपके पास खुद लैपटॉप है तो आप टैली सीख सकते हो बिना कोचिंग का, ठीक है। मैं आपको उस तरीके से बता दूंगा कि आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला सेशन देखते हैं क्या है, ठीक है। पहले मैं बेसिक डिस्कस करूंगा, बेसिक जैसे क्या कि अकाउंटिंग क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक होते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लो। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, अच्छे से समझ लिया, ठीक है, और याद कर लिया, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको टैली पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, मैं ये गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर अकाउंटिंग लिखा हुआ है, अकाउंटिंग क्या होता है उसको समझ लो अच्छे से। यानी कंप्यूटराइज मैनर से जो वर्क किया जाए उसको बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है, ठीक है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी एक कला है रिकॉर्ड करने का, लिखने का। क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, यानी किसी भी मनी को या कोई ऐसा आपने काम कर लिया उसको समराइज करने का एक तरीका है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, मतलब क्या है, आप कोई ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो उसका एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी बनता है, ठीक है ना, सिंपल सी मतलब है, ओके। यानी कंप्यूटराइज मैनर से जो काम किया जाए उसको बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंट्स मतलब क्या होता है, अकाउंट्स का अर्थ होता है, कहते हैं ना कि अकाउंट्स कर लिया, लेखा जोखा, टैली मतलब लेखा जोखा होता है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगला, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, एनी वर्क डन फॉर प्रॉफिट। अगर कोई आपसे बोलता है कि बिजनेस क्या है तो आप बता सकते हो कि एनी वर्क, यानी कोई कार्य किया जाता है प्रॉफिट दृष्टि से, इट कैन बी लॉसेस, उसमें हानि भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ख्याल रखना, अब ये नहीं कह सकते केवल प्रॉफिट के लिए किया सकता है, किया जाता है, सिंपल सा बात है कि अगर बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट के लिए, लेकिन उसमें लॉस भी होता है, ठीक है ना, तो ये आप इस चीज़ इंक्लूड कर देना, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, अब बात करते हैं डेबिट क्रेडिट, बार बार आता है ये डेबिट क्रेडिट क्या है। आप बैंक से ट्रांजेक्शन करते हो, बैंक पैसा डिपॉजिट करते हो तो भी आता है, ATM से पैसा निकालते हो तो भी कुछ दिखता है, तो ख्याल रखना, जब हम लिखा था रिसीविंग एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड डेबिट, यानी रिसीव जब करेगा बंदा ट्रांजेक्शन में उसको बोलते हैं डेबिट, और क्रेडिट क्या है, द गिविंग एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट, यानी CR से DR से इसको प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या कि अगर कोई लेने वाला बंदा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिसीविंग, ठीक है ना, जो रिसीव करेगा उसको बोलेंगे हम डेबिट, और जो बंदा गिविंग एस्पेक्ट से रिलेटेड होगा उसको बोलेंगे क्रेडिट, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, अकाउंट्स क्या है, देखो यहाँ पर पढ़ सकते हो अच्छे से, अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एवरी पर्सन एवरी थिंग और प्रॉपर्टी एंड एवरी टाइप ऑफ सर्विस। मतलब अकाउंट्स का अर्थ क्या होता है, किस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है, किसी व्यक्ति के किसी प्रॉपर्टी को और सर्विस को, ठीक है ना, प्रॉपर्टी सर्विस को वो पूरा रिकॉर्ड रखता है, ओके। तो अब यहाँ पर देखना ध्यान से, इसमें तीन टाइप के होते हैं, यानी रियल अकाउंट जिसे कहते हैं वास्तविक, देखो वास्तविक का मतलब क्या होता है, जो दिखाई दे, जिसे महसूस करें, ठीक है ना, ओके। अब इंसानों की बात मत करना, यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है, ठीक है ना, ओके। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना, यही आपका मेन टारगेट होगा पूरा टैली का पढ़ने का। अगर आपको टैली पढ़ना है तो आपको ये अकाउंट्स के तीन फीचर आपको अच्छे से आना चाहिए, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, देखो लिखा है कि रियल अकाउंट आर द अकाउंट हु रिलेटेड टू एनी कंपनी गुड्स मटेरियल और असेट्स। रियल अकाउंट का संबंध किससे होता है, रियल अकाउंट का संबंध होता है किसी कंपनी के गुड्स, गुड्स मतलब क्या, सामान, मटेरियल और एसेट्स की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, रियल अकाउंट की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ख्याल रखना,
कैश भी होता है, अपने कैश कैश को तो हम टच कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। फर्नीचर होता है और कंप्यूटर, बिल्डिंग, बुक्स, यानी जिस सामान को हम टच करें, ठीक है ना। आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो चीज़ कहलाएगा। लैपटॉप है, मोबाइल है, तो उसको क्या बोलेंगे, किसी बंदे का सामान है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, बिजनेस की बात कर रहे हैं, किसी कंपनी के मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, मटेरियल। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप इसका स्क्रीन शॉट लेके इसको रीड कर लेना ढंग से। यानी क्या लिखा है, व्हाट कम इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी जो संपत्ति आएगी उसे कहेंगे डेबिट, जो संपत्ति जाएगी उसे क्या कहेंगे, क्रेडिट। क्लियर यहाँ पर है, मतलब कि आने की बात हो रही है तो डेबिट कहलाएगी। यानी अगर कंप्यूटर आप खरीद रहे हो, ठीक है, आपके पास आ रहा है, परचेस कर रहे हो, तो डेबिट, ठीक है, पैसा दे रहे हो तो क्या कहलाएगा, क्रेडिट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट होगा, हम देखते हैं उसको, व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है। तो पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है हु रिलेटेड टू एनी पार्टी फर्म एंड एजेंसी, यानी इसका संबंध किससे होता है, किसी व्यक्ति से होता है। देखो लिखा है व्यक्ति, व्यक्तिगत, अब इसको इमेज बना लो अंदर, ठीक है, इमेज बना लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। पर्सनल मतलब कोई व्यक्ति ही होता है, ठीक है। अब जैसे क्या एग्जांपल ले लो, बैंक अकाउंट, सौरभ एजेंसी अकाउंट, यानी कोई कोई सामान जैसे कि बाइक वगैरह बेचने वाली कंपनी है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सौरभ एजेंसी। कोई व्यक्ति है, रंजीत गुप्ता अकाउंट, ठीक है ना। यानी व्यक्ति की बात हो रही है, फर्म की बात हो रही है, एजेंसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी भी हो सकता है इसमें, ठीक है, उसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या रूल इसका, द रिसीवर इज डेबिट द गिवर इज क्रेडिट, यानी रिसीव करने वाला बंदा डेबिट कहलाएगा और देने वाला क्रेडिट। जैसे आपने कोई माल खरीद लिया तो सुबह पेमेंट करते हो अपना, ठीक है, जब आप पेमेंट करोगे, ठीक है, यानी पेमेंट कैसे करोगे, जो लिखा द रिसीवर, अगर किसी को माल बेचा है तो रिसीव करोगे पैसा, पैसे की बात करेंगे हम, जब रिसीव करोगे उसको डेबिट बोलेंगे, ठीक है। अब जब माल को परचेस कर लिया है तो क्या करोगे, पैसा दोगे ना, तो गिवर को बोलते हैं क्रेडिट। सिंपल समझना कि इसमें क्या है, कोई व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, अगर बंदा रिसीव करेगा, ठीक है, तो डेबिट, द गिवर इज क्रेडिट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। ओके, अब देखते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉमिनल मतलब होता है नाम मात्र खाता। जैसे क्या, नॉमिनल अकाउंट आर द अकाउंट हु रिलेटेड टू कंपनी एक्सपेंसेस एंड इनकम, इसका संबंध किससे होता है, कंपनी के एक्सपेंस और इनकम से संबंध होता है। इतनी सी बात जानना आप, ठीक है ना, किसी से कंपनी के इनकम और एक्सपेंस, इतना ख्याल रखो, ठीक है। अब जैसे क्या, अगर आप कंपनी सैलरी देती है तो उसको एक्सपेंस होगा ना, ठीक है, वेजेस देगी यानी मजदूरी की बात हो रही है, डिस्काउंट देगी, इंश्योरेंस देगी, रेंट देगी, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सपेंस, सीधी सी बात है। अगर बंदा रिसीव कर रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, अगर दे रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। ओके, यहाँ पे क्या है, बेसिक चीजें हैं। ओके, अब देखो गोल्डन रूल क्या कह रहा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेस इज डेबिट, ऑल इनकम एंड ऑल गेन क्या कहलाएगा, क्रेडिट। मतलब कंपनी को अगर लॉस होता है, अगर कंपनी का कोई खर्च हुआ जिसे सैलरी पे कर दी, तो उसको क्या रखेगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है मैं बताऊंगा आगे, इतना समझ लो बस कि अगर सैलरी जा रही है तो खर्च कंपनी के लिए, ठीक है, उसको डेबिट में रखेगी। और ऑल इनकम एंड ऑल गेन मतलब क्या है, अगर कुछ उसको प्रॉफिट हो रहा है, पैसा कुछ मिल रहा है, उसको रखेगी किस में, क्रेडिट में। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो, ठीक है, तो आपके अकाउंट में लिख के आता है ना मैसेज कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट, ठीक है, तो उसको क्या होता है, बैंक वाले को उसको होता है क्या, इनकम होता है, ठीक है, लिख के आता है, ठीक है ना, आपको क्या होता है, बोलेगा क्रेडिट, ठीक है ना। अब जब पैसा निकालते हो तो लिखता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, पैसा कट गया, ठीक है, तो इसमें किस में आता है, क्योंकि एक्सपेंस होगा तो डेबिट कहलाएगा, और अगर इनकम होगा तो क्रेडिट कहलाएगा। तीनों समझ में आया, देखिए एक बार फिर समझ लो अच्छे से। मैंने ये कहा कि जो रियल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट का संबंध होता है सामान से, सामान आएगा सामान जाएगा। और पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, कि जैसे क्या कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है ना, पर्सनल इसका नाम है, यानी रिसीव करना और गिव करना। नॉमिनल में क्या है, नॉमिनल में कहा जाता है साहब, नॉमिनल का संबंध सीधा सीधा एक्सपेंस और इनकम से होता है कंपनी के, और जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने सैलरी वेजेस डिस्काउंट। ओके, और इसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको एक्सपेंस हुआ तो डेबिट, अगर आपको इनकम हुआ तो क्रेडिट, ठीक है। देखो ये रहा वीडियो का इन, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना, और एक अच्छा टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसमें बेसिक क्या आएगा, जैसे कि परचेस क्या होता है, सेल क्या होता है। नॉर्मली लोग परचेस बोल देते हैं ना, लेकिन परचेस क्या होता है, सेल क्या होता है, उसको मैं प्रॉपर डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, एंड थैंक यू।